साथियों, किसी ने कहा था कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे और बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे और भूलते हम कांटा बनाकर रख दिया और अब कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। दिल्ली की पुलिस को बता देना चाहता हूं कि दिल्ली में आने से पहले उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में चल रहे धरना प्रदर्शन की फुटेज देख ले और उसमें भी सबसे पहले एटा जनपद की देख ले कि वहां दर्जनों पुलिस वाले को एक महिला शिक्षा मित्र ने खदेड़ने का काम किया था और यह लाखों लाख है। 157 की लड़ाई एक मंगल पांडे और एक झांसी की रानी से शुरू हुई थी और उत्तर प्रदेश के लाखों लाख मंगल पांडे और झांसी की रानी दिल्ली की इस धरती पर बच चुके हैं। साथियों, लड़ाई लंबी है, हमें कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारा आंदोलन खत्म हो जाए, यह भी हमें सोचकर चलना है। आज आप आंदोलन को गलत दिशा में ले जाओ, आंदोलन आज खत्म हो जाएगा। हमें धरती पकड़ बनना है, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान को अक्षरत पालन करना है। और मैं आपको बता दूं लखनऊ की धरती से भी हमने एक बात कही थी, हम क्रांति को जानने वाले, क्रांति को मानने वाले और क्रांति करने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश की धरती का एक एक शिक्षा मित्र सरदार भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, लेकिन फिर कहना चाहता हूं कि आंदोलन सही दिशा में चलना चाहिए, आंदोलन सही दिशा में चलना चाहिए, आंदोलन प्रभावित ना हो अराजक तत्वों की वजह से, उनको भी चिन्हित करके आप रखें। लड़ाई लंबी है और मैं एक बात पहले से कहता आ रहा हूं और दिल्ली की पुलिस को भी बता देना चाहता हूं कि लड़ाई हमारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, इस दिल्ली की केंद्र सरकार और शिक्षा मित्रों की आमने सामने की लड़ाई है, इसलिए बीच में आने का काम ना करें। अगर आप बीच में आओगे तो मैं उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की तरफ से कहना चाहता हूं कि जैसे दोपहर के बीच में पिसकर गेहूं का आटा हो जाता है, संभवतः आपकी भी वैसी स्थिति हो जानी है, ऐसी स्थिति हो जानी है। ज्यादा कुछ बात ना करते हुए सिर्फ कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, कि 100 बार जिए 100 बार मरे, मरना तो एक बार का, अपमान का जीवन क्या जीवन, जीवन तो बस सम्मान का, जय शिक्षा में जय भारत।